चरणों का मतदान बहुत उत्साह के साथ संपन्न हो चुका है। कल छठे चरण का और सातवें चरण का मतदान, कल छठे चरण का होगा, सातवें चरण का मतदान 8 तारीख को है। मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वे आप सब लोगों को संबोधित करें। मित्रों, आप सभी का भारतीय जनता पार्टी की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर जा रहा है। पांच चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है, कल छठे चरण का मतदान होने जा रहा है। हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, प्रत्याशी एवं काम में लगे सभी लोगों से अब तक हमें जो सूचनाएं प्राप्त हुई है, इसमें स्पष्ट है कि पांच चरण में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने समाप्त कर दिया है। छठे और सातवें चरण में हम दो तिहाई बहुमत की ओर बढ़ने का काम करेंगे। पश्चिम से लेकर गोरक्ष तक उत्तर प्रदेश की जनता ने हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए अप्रत्याशित उत्साह के साथ मतदान किया है। इसकी अनुभूति हम सब जो कार्यकर्ता चुनाव के मैदान में डटे हैं, सबको हो रही है। आने वाले दो चरण में भी जहां जहां जाना हुआ, जहां जहां संपर्क हुआ, वो सब जगह पे अभूतपूर्व उत्साह का अनुभव आया। मित्रों, कई बार तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ज्यादा अग्रेसर सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता दिखाई पड़ती है। 2014 का लोकसभा का जो चुनाव हुआ था श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी को चुनने के लिए जिस प्रकार की आंधी उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ती थी, बिल्कुल उसी तरह की एक आंधी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ती। अभी की जो शासन व्यवस्था है उसके प्रति जनता में प्रचंड आक्रोश और गुस्से का वातावरण दिखाई पड़ता है। 15 साल का सपा बसपा सपा ये जो क्रम चला है, इससे दोनों पार्टियों की ओर से लोगों की आशाएं समाप्त हो चुकी है और उत्तर प्रदेश की जनता एक आशा भरी नजरों से मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रही है। मित्रों, भ्रष्टाचार हर नीचे के काम के लिए भ्रष्टाचार इस राज्य में चरम सीमा पर है और छोटे से काम से लेकर बड़े से बड़े ठेके तक भ्रष्टाचार का बोलबाला इस राज्य में चल रहा है। बेरोजगारी का आलम भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। अखिलेश सरकार शायद इसको जानती ही होगी, इसलिए उन्होंने रोजगारी देने की जगह बेरोजगारी भत्ता देने की बात शुरू में ही कर दी थी, मगर न भत्ता मिल रहा है न रोजगारी मिल रही है। सारे युवा आक्रोशित है। बसपा कई रैलियों में बसपा के नेताओं ने गुंडा राज से मुक्ति के लिए बसपा के विकल्प के ओर प्रेरित करने का जनता को प्रयास किया है, मगर मैं दो दिन से काशी क्षेत्र में घूम रहा हूं, इसके पहले गोरक्ष में भी घूमा, हर जगह पे जनता ये सवाल बसपा के नेताओं को कार्यकर्ताओं को पूछती है कि जिस हाथी पर अब जाल अंसारी और मुक्ताल अंसारी चले हो,
वो हाथी कैसे गुंडा मुक्त शासन दे सकता है। ये उत्तर प्रदेश के युवा का, विशेषकर पूर्वांचल के हर युवा के मुंह पे सवाल है कि मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को साथ में लेकर किस प्रकार से आप गुंडा शासन से मुक्ति दे सकते हैं। कानून और व्यवस्था की परिस्थिति इतनी लचर हो गई है कि मैं इस पर ज्यादा समय आपका बिगाड़ना नहीं चाहता, मगर आज सुबह मैं टीवी पर देख रहा था, किसी के साक्षात्कार में राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा, अपील की कि गायत्री प्रजापति सरेंडर कर जाए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है मित्रों, जो शासन में रहते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है जो गुनहगार होते हैं उसको दर्द दबोचने की, उसको पकड़ने की, उसकी जगह लाचारी के साथ इस राज्य का मुख्यमंत्री कहता है कि गायत्री प्रजापति सरेंडर कर जाए। पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है क्या गायत्री प्रजापति को पकड़ने की? कई सवाल गायत्री प्रजापति मामले से खड़े होते हैं। एक पीड़िता ने अपनी एफआईआर, अपनी प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए थाने में जाती है, प्राथमिकी दर्ज नहीं होती, एसपी, आईजी, एडिशनल ईजी, डीजीपी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट में जाती है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से प्राथमिकी दर्ज करने का ऑर्डर होता है, उसके बाद 6 दिन तक गायत्री प्रजापति प्रचार करते रहते हैं, मुख्यमंत्री स्वयं उनके यहां प्रचार करने जाते हैं, और जैसे ही मतदान समाप्त होता है अचानक ही वो अदृश्य हो जाते हैं, और लाचार से मुख्यमंत्री उनको अपील करते हैं कि भैया आप सरेंडर हो जाओ, मेरी पुलिस आपको पकड़ नहीं पाती। मैं मानता हूं इससे निकृष्ट लचर कानून और व्यवस्था का कोई उदाहरण आजादी के बाद पूरे भारतवर्ष में नहीं होगा। 5 साल की सरकार के बाद अखिलेश जी हमें पूछते हैं कि यूपी के अच्छे दिन कब आएंगे, भारतीय जनता पार्टी को पूछते हैं। मैं अखिलेश जी को पूछना चाहता हूं, 5 साल शासन आपका रहा, मुख्यमंत्री आप रहे, पूरी सत्ता आपके और आपके परिवार के हाथ में रही, यूपी के अच्छे दिन लाने की जिम्मेदारी किसकी है? जो मुख्यमंत्री की यूपी में सुधार करने की जिम्मेदारी है वो उल्टा हमें सवाल पूछे। मैं उनको तिथि और समय बताना चाहता हूं, 11 मार्च 2017 को दोपहर 1 बजे इस सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और अखिलेश जी कलम और कागज लेकर तिथि और समय लिख ले, 11 मार्च 2017 को दोपहर 1 बजे से उत्तर प्रदेश के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। मित्रों, 2.5 साल के नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में हर साल हमने 1,00,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के विकास के लिए यूपीए सरकार से ज्यादा भेजा, मगर इसका नीचे जमीन पर कहीं भी विकास के मामले में उसको परिवर्तित होता हम नहीं देख रहे। मैं पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार ने जो 1,00,000 करोड़ रुपया हर साल ज्यादा भेजा है वो कहां गया? इसका जवाब अंतिम 2 चरणों में अखिलेश सरकार ने देना चाहिए। बहुत सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाकर भेजी है, जहां जहां इंप्लीमेंटिंग एजेंसी राज्य सरकार है वो योजनाएं नीचे तक पहुंचती नहीं दिखाई पड़ती। मित्रों, जहां जहां इंप्लीमेंटिंग एजेंसी सीधी केंद्र सरकार है वहां पर वो योजनाएं तत्काल परिणाम देती हुई दिखाई पड़ती है, जैसे नेशनल हाईवे, ट्रेन, उज्ज्वला योजना। उत्तर प्रदेश के अंदर 50 लाख से ज्यादा गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस का चूल्हा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की जो सरकार चली है उसने पूरे देश में 2 करोड़ से ज्यादा गरीब माताओं को गैस का चूल्हा देने का काम किया है, और उत्तर प्रदेश के अंदर 50 लाख से ज्यादा गरीब माताओं को गैस का चूल्हा देने का काम किया है। मित्रों, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, सरकार कैसे चलती है। भाजपा की जो केंद्र सरकार है उसने किसानों को जो मुआवजा मिलता है जब कुदरती आपदा आती है उसमें काफी सारी बढ़ोतरी की, मगर 1.5 साल पहले जब यहां ओलावृष्टि हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, इसका बंटवारा नीचे तक नहीं हुआ। भाजपा की केंद्र सरकार
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फसल बीमा योजना लेकर आई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकार ने करना था, मगर बहुत देर तक उसका प्रीमियम नहीं भरा गया, एजेंसी फाइनल नहीं की गई, इसके कारण काफी किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा नहीं मिला। इस तरह से ढाई साल में जितनी भी योजना केंद्र सरकार की बनी है, सारी योजनाओं का लचर इम्प्लीमेंटेशन के कारण मोदी सरकार के लाख प्रयत्न के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की जनता को उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास विफल रहा है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, उसने हर घर में शौचालय बनाने का प्रयास किया है, हर घर में एक बैंक अकाउंट पहुंचाने का प्रयास किया है, हर घर में गैस पहुंचाने का लक्ष्य रखा है और 50 लाख से ज्यादा माताओं के घर में गैस पहुंचाने का काम हमने समाप्त कर दिया है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे गांव में आजादी के बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी, वो पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मैं विशेष रूप से बात कहना चाहता हूं, बहुत सारे गांव उसमें अमेठी और रायबरेली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी सालों तक वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी रही, वहां गांव में बिजली पहुंचाने का काम आज भी अधूरा था, जो हमारे जिम्मे आया है। हमने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक खाका खींचा है, हमारा चुनावी घोषणा पत्र, इसमें हमने पूर्वांचल और बुंदेलखंड के विकास के लिए पूर्वांचल विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की है, 1000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष पैकेज पूर्वांचल और बुंदेलखंड को दिया जाएगा, लघु और सीमांत किसानों की कर्ज माफी की बात की है, अगला ऋण जो चाहिए किसानों को चाहिए उसको 0% ब्याज पर देने की हमने बात कही है, गन्ना किसानों के गन्ने के भुगतान के लिए 14 दिन के अंदर उनको गन्ना का भुगतान हो जाए, इसके लिए चौधरी चरण सिंह जी के नाम से एक योजना की है, गुंडा राज की समाप्ति के लिए भी पूरा एक ब्लूप्रिंट बनाकर लोगों के सामने रखा है, पूरे उत्तर प्रदेश में से यांत्रिक कतलखानों को बंद करने की हमने घोषणा की है, 40 नई डेयरी बनाने वाले हैं, 25 मेडिकल कॉलेज बनाने वाले हैं, 40 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने वाले हैं, 80 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने वाले हैं और वर्ग 3 और 4 के सभी कर्मचारियों की भर्ती के अंदर से हम इंटरव्यू की प्रथा को समाप्त कर देना चाहते हैं, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम दी जाए और मेरिट्स वाले बच्चों को सीधा अपॉइंटमेंट्स मिल सके। मित्रों, बहुत सारी योजनाएं हमारे चुनाव घोषणा पत्र के अंदर है और जनता तक ये घोषणा पत्र हमारे हजारों कार्यकर्ताओं ने, लाखों कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर पहुंचाया है, लगभग 525 से ज्यादा जनसभाएं आज शाम तक समाप्त हो चुकी है, 4 से ज्यादा रोड शो हुए हैं और हमारा ये यूपी के विकास का जो खाका है उसको हमने लोगों तक पहुंचाने का एक सार्थक प्रयास किया है। ये लोकतंत्र का उत्सव है, प्रधानमंत्री जी से लेकर हमारा बूथ का कार्यकर्ता यूपी की जनता के पास जाकर हमारी पार्टी की विचारधारा, हमारी पार्टी का चुनाव एजेंडा उनके पास जाकर लेकर गया है और उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रति वोट देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देने के लिए उनको प्रेरित करने का काम किया है। करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, छठे चरण के मतदान के अगले दिन के 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हमारे दोनों साथी दल भारतीय समाज पार्टी और अपना दल भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विशेषकर उनके प्रत्याशी छठे और सातवें चरण में लड़ रहे हैं, उनका भी बहुत परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तीनों दल एक रस होकर, एकजुट होकर यूपी की जनता के साथ सामने यूपी के विकास का एजेंडा लेकर गए हैं, मोदी जी की बात को लेकर गए हैं और मुझे भरोसा है कि अगले 5 चरण में जिस प्रकार से उत्साह प्रेरित मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है, जनता ने किया है, उसी तरह से 6ठे और 7वें चरण में भी उत्तर प्रदेश की और विशेषकर पूर्वांचल की जनता भारतीय जनता पार्टी की और रुक कर
दो तिहाई बहुमत से हमारी सरकार बनाने का काम समाप्त करेगी। धन्यवाद। अमित जी, आपने चुनाव शुरू हुआ था तो आपने कहा था कि बीजेपी का है 300+ और दो तिहाई के हिसाब से आता है 266। मित्र, आपने ठीक से सुना नहीं, मैंने दो तिहाई से ज्यादा किया है, 300-260 से ज्यादा ही होता है। देखिए, ये भ्रांति विपक्ष के द्वारा फैलाई जा रही है। जो सब्सिडाइज गैस के उपभोक्ता है उनको एक भी रुपया ज्यादा देना नहीं, उनकी सब्सिडी बढ़ाई गई है। सिर्फ नॉन सब्सिडाइज गैस के दाम ही बढ़े हैं। जो सब्सिडाइज उपभोक्ता है, जिसको सब्सिडी वाला गैस मिलता है, उसको एक रुपया भी ज्यादा ही नहीं देना है। आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव मोदी सरकार के कामकाज के ऊपर एक जनता संग्रह है। विपक्ष को अगर ऐसा मानना है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर 5 साल की सरकार जो चली है और ये विधानसभा का चुनाव है, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, तो ये जनमत जो होता है विधानसभा के चुनाव के लिए भी होता है, लिए ही होता है। मगर 2.5 साल हमारे कार्यकाल को भी समाप्त हुए हैं, 80 में से 73 सांसद हमें मिले हैं, हम जिम्मेदारी के साथ विकास करने का प्रयास किया है। ये जो मुहर लगने वाली है वो मोदी सरकार के काम पर भी लगने वाली है। इस पर असर पड़ना है, चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? अरे चुनाव तो समाप्त हो चुका भैया, हम तो सिर्फ प्रचार में जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, पिछले एक हफ्ते से आप लोग बनारस में कैंप किए, स्वयं आपकी पूरी कैबिनेट यहाँ पे है, क्या बनारस से आप लोग अभी तक यहाँ के लोग आपको? देखिए भैया, इस प्रकार की आप समाजवादी पार्टी के कैंपेनिंग में पत्रकार कम से कम न चुके, पश्चिम में चुनाव चल के ऐसे मत करो, बैठ जाओ आप। पश्चिम में जब चुनाव था तो मैं पश्चिम कैंप करा था, कैबिनेट के मंत्री भी पश्चिम में थे, अवध में था तो लखनऊ किया था, गोरख था तो गोरख थे, अब काशी में आए तो काशी आए। इसमें भयभीत होने का किंचित मात्र भी सवाल नहीं है। हमारे आने से जिनको भय लगा है वो आपको ऐसे सवाल देते हैं, पूछो अभी 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 ऐसे में आया है। अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। थाने इसी को रिपोर्ट नहीं करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की, और बाकी सारे क्यों अरेस्ट होते हैं? किसी जर्नलिस्ट ने बिचारे ने सर्वे दिखा दिया था, उसको कैसे अरेस्ट किया? और आप ऐसी बातें मानते हैं और ऐसे सवाल उठाते हैं? आपको भी मालूम होना चाहिए किसी भी सीआरपीसी में किसी की अरेस्ट करने के लिए इसी की कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती है। सर, मेरा सवाल आपसे, आपने कहा कि 11 मार्च दोपहर 1 बजे से अच्छे दिन आ जाएंगे, मेरे दो सवाल हैं। क्या गायत्री प्रजापति अगर उस तारीख तक गिरफ्तार नहीं हुए तो 1 बजे के बाद गिरफ्तार हो जाएंगे? और दूसरा सवाल है कि क्या 11 मार्च दोपहर 1 बजे से मुसलमानों का दाह संस्कार शुरू हो जाएगा? आपके एक सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा क्योंकि मेरे लेवल का है। मित्रों, मैं मानता हूं कि अखिलेश सरकार के पास मौका है, अभी भी 11 मार्च के पहले उन्होंने गायत्री प्रजापति को अरेस्ट करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो तुरंत ही पाताल में से भी ढूंढ कर उनको अरेस्ट कर। नहीं, वो बैंक फैसला लेते हैं इसका, और 4 बार में तो तनख्वाह जो होती है पूरी उठ ही जाती है। नहीं, हम किसी भी प्रकार के फर्जी वोटिंग के लिए चिंतित हैं, किसी के भी प्रकार के फर्जी वोटिंग के लिए हम चिंतित हैं। फर्जी वोटिंग नहीं होना चाहिए, वो लोकतंत्र की भावनाओं के खिलाफ है। जी,
फंड बहुत छोटा होता है। मोदी जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या काम हुआ है, मेरी प्रेस वार्ता समाप्त होते ही आपको उसका लिस्ट मिल जाएगा। अगर अखिलेश की तरह हम प्रपोज मेट्रो को भी गिन ले तो 29,000 करोड़ रुपए का काम हुआ है। अमित शाह जी जब आप विपक्ष में थे, जब कांग्रेस शासन में थी, तब आप कहते थे ये भ्रष्टाचारी हैं, CWG और घोटाले बहुत सारे, और अभी आपने कहा गायत्री प्रजापति को भी जेल में डाल देंगे सरकार बनते ही। तो जो इतने घोटाले जो आपने पूरे देश में फैलाया, तो कितने लोगों को सजा दे सकते हैं? ढाई साल की हो चुकी है। नहीं, काफी चीजों में जांच चल रही है और जांच अच्छी प्रगति पर रही है। नहीं, वो ठीक है, मगर जांच करेंगे या सीधा धर लेंगे? जांच तो भी करनी पड़ेगी भैया। गायत्री प्रजापति को तो सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने का ऑर्डर कर दिया है। देखिए, यांत्रिक कतलखाने तुरंत बंद कर दिए जाएंगे और अवैध कतलखाने जितने चलते रहे वो भी बंद कर दिए। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता नोटबंदी के साथ है और नोटबंदी के कारण भारतीय जनता पार्टी के जन समर्थन में बहुत बड़ी वृद्धि हुई। नहीं, निश्चित रूप से हम ऐसा माहौल चाहते हैं कि हर एक राज्य के अंदर विकास करने की स्पर्धा हो, भ्रष्टाचार की न हो। लेकिन क्या आपका सपना है उत्तर प्रदेश? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में बहुत सारी संभावनाएं पड़ी है और हमारे घोषणा पत्र में हमने कहा ही। तय नहीं है। चलिए भाई, कोई काम का सवाल जो इन्फॉर्मेशन दे पाए वो निकाल। ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर हुआ है, एक केस चल रहा है। हमने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना पक्ष साफ कर दिया है कि ट्रिपल तलाक के कानून से, व्यवस्था से मुस्लिम महिलाओं के हकों का रक्षण नहीं होता है, इसलिए ये गैर संवैधानिक है, इसको रद्द किया है। अभी तक की बेरोजगारी बड़ी समस्या है, 2 करोड़ नौकरी हर साल देने वाले हैं, अभी तक तो कुछ नहीं किया। ढाई साल भैया, हमने नौकरी शब्द प्रयोग नहीं किया था। हम सुनो जरा, इतने आक्रामक मत हो जाओ। चुनाव भी लड़ लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुन लो, भाग मत जाओ, थोड़ा आगे आओ। हमने 2 करोड़ रोजगारी का वादा किया था, सिर्फ और सिर्फ मुद्रा बैंक के माध्यम से 4.5 करोड़ युवाओं को रोजगारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संपन्न कर दिया है। अमित जी, लालू यादव लालटेन लेकर काशी में टोटो खोल रहे हैं। चलो भाई, गंगा के लिए टोटो काशी कब तक बनेगा? देखिए, मैं लालू जी की तरह सार्वजनिक जीवन में बातें नहीं करता, मगर काशी और क्योटो का जो एग्रीमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, संस्कृतियों के आदान प्रदान के लिए और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए किया है और इसका काम ठीक ही चल रहा है। गंगा के लिए हमने इसलिए नहीं किया कि दोपहर कर पाए, क्योंकि दोपहर को आपको शायद उमा भारती जी ने ब्रीफ किया है, उन्होंने एक पत्र लेकर घूम रही है सबको दिखाने के लिए। आप चले जाओ, आपको भी देखिए, अखिलेश जी ने लिखित में कहा है कि गंगा अभियान के किसी भी काम को NOC नहीं देगी। उमा भारती जी के पास जाइए तो वो पत्र आपको दिखा देगी। आरक्षण पे क्या है स्टैंड बीजेपी का? आरक्षण पे हमारा स्टैंड स्पष्ट है, अभी की आरक्षण व्यवस्था है चालू रहनी चाहिए और ये संवैधानिक है, इसमें किसी भी प्रकार की दखल की कोई जरूरत नहीं है। अरे सुनो भैया, एनोमली कमेटी बन चुकी है इसके लिए। अरे भैया, आप बहस करोगे या जवाब सुनोगे? एनोमली कमेटी बनी हुई है पर जितनी भी विसंगतता है वो विसंगतता कमेटी के तहत विचाराधीन है, इसकी रिपोर्ट आते ही भारत सरकार इस पर उत्तर। सेना की वरीयता मिलनी चाहिए, इसी
डिसीजन लेने थे। समझ गया, हम भी आपके जैसा ही मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो पहुंची राम मंदिर आंदोलन के कारण नहीं, हमने चुनाव घोषणा पत्र में इसका ठीक से भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड रखा हुआ है। भूपेन्द्र जी आपको घोषणा पत्र दे देंगे। अभी जी वेस्ट बंगाल में टॉप बीजेपी के टॉप लीडरों का नाम आ रहा है बच्चों की तस्करी के लिए। अब तक तो मीडिया में ही है, मगर पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार कुछ भी कर सकती है। नहीं नहीं, ये बहुत निंदा करने वाला कृत्य है। एक के बाद एक कम्युनिस्ट की सरकार बनने के बाद केरल के अंदर संघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले हुए हैं, इनकी हत्याएं कर दी गई और राज्य सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी हुई। भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों के पक्ष में रही है, क्या उत्तर प्रदेश में आपकी नई सरकार बनने के बाद छोटे राज्यों के गठन की जो आपकी नीति है उसे आप उत्तर में ग्रहण करेंगे? इस पर एक व्यापक बहस की जरूरत होती है और पार्लियामेंट ही ये कर सकती है, मेरी अकेली पार्टी नहीं कर सकती। ठीक है मित्रों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सुल्तान, कोई माइक में से पार्लियामेंट